भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित तथा कथित शराब घोटाला में ईडी ने अभी 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। 2 साल के इन्वेस्टिगेशंस के बाद, हजारों जगह पर छापा मारने के बाद, लगातार इस केस पर पूरे देश का अटेंशन रखने के बाद देश को क्या मिला? एक और चार्जशीट। उस चार्जशीट में इन्होंने 2 नई चीज़ें किया है। एक तो अरविंद केजरीवाल जी को उसमें अक्यूज्ड बनाया है और दूसरा आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड बनाया है। मेरे ख्याल से 20 जून को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने इन सारे मुद्दों को जो ये चार्जशीट पे ये हाईलाइट किए, उस पर स्पेशल कोर्ट ने अपना ऑर्डर बड़े स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है। 20 जून को जो ऑर्डर आया वो 2 साल के ईडी के सारे इन्वेस्टिगेशंस और सारे सबूतों को ध्यान में रखकर वो ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर में आप देखेंगे कि अभी जो ये बातें उठा रहे हैं वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अक्यूज है, ये फिर वही घिसी पिटी, 100 करोड़ पैसा लिया, 40 करोड़ लिया, ये सारी चीज़ें घिसी पिटी चीज़ें ये फिर पूरे सीन में, पूरी पिक्चर पे ये ला रहे हैं। मैं एक एक करके आपको अगर ये बताऊं तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, पीएमएलए में ये कहा जाता है कि जब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, वो अगर एस्टैब्लिश नहीं होता है तो केस बनता नहीं है। तो आप अगर देखेंगे कि इस पर कोई एविडेंस नहीं है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, अगर कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, आप सब भी इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। आप अगर पैरा 24 अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो पैरा 24 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि ईडी हैज फेल्ड टू क्लैरिफाई एज टू हाउ इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेसिंग आउट द कंप्लीट मनी ट्रेल, विच मीन्स ईडी ये फेल हो गई कि पूरे पैसे कहाँ से आई और कहाँ गई ये इस्टेब्लिश करने में ईडी पूरी तरीके से फेल हो गई। ये पैरा 24 में पूरे क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा गया है कि ईडी ये चाहती है कि चूंकि ईडी खोज नहीं पा रही है पैसा कहाँ है, इसलिए ईडी ये चाहती है कि जब तक वो पैसे का ट्रेसिंग नहीं कर लेते हैं तब तक वो जेल में रखना चाहते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ये कोर्ट के ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कुछ मिला नहीं है, कुछ 1 रुपए भी इसमें इनको बरामद नहीं हुई है। दूसरा, पैसा कहाँ यूज हुआ, इसमें ये बार बार ये कहते हैं कि भाई पैसा गोवा में यूज हुआ। अगर आप पैरा 26 इसमें पढ़ेंगे तो इसमें बड़े स्पष्ट तरीके से ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि दिस इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट ईडी इज साइलेंट अबाउट द फैक्ट एज टू हाउ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव बीन यूटिलाइज्ड इन असेंबली इलेक्शंस एट गोवा बाई आप। ये भी ये लिखा हुआ है बड़े क्लियरली कि भाई ईडी फेल हो गई ये बताने में कि कैसे ये असेंबली इलेक्शन में पैसा और कहां खर्च किया है। ये भी उनके जो प्रश्न ये अभी जो चार्जशीट में दाखिल किए हैं वो इस पे बड़ा स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है। इसके साथ अगर आप देखेंगे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज बनाया है। इस ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल जी का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी को इन्होंने अक्यूज बनाया है। इस ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ है कि कहीं तो कुछ 1 चवन्नी कभी कभी कोई जिक्र हो इसमें, कहीं तो 1 चवन्नी मिले। ये सारी चीजें पूरी स्पष्ट तरीके से कोर्ट के ऑर्डर में पहले ही लिखा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आपके पास कोई नए सबूत है नहीं तो फिर ये चार्जशीट में नई कहानी कहां से आई। इसमें इंटरेस्टिंग चीज और है, ओवरऑल अगर आप केस को अगर आप देखेंगे तो इसमें पैरा 27 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईडी कैसे मैलाफाइड इंटेंट के साथ, यानी कि अब ईडी की नियत में खोट है और नियत में खोट के तरीके से काम कर रही है, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आप पैरा 27 इसमें पढ़ेंगे, उस पैरा 27 में यह लिखा हुआ है कि 2022 में जो मटेरियल अवेलेबल इनके पास थे ये 2023 में प्रोड्यूस कर रहे हैं,
एक साल तक उसको पढ़ा, मतलब ये अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, जब जिसको लाना है, जैसे डिले करना है प्रोसेस को, उस पर लगे हुए। इनके इंटेंट पे क्वेश्चन, तो अगर ईडी के इंटेंट पे क्वेश्चन लग रहा है तो सारी चीजें फर्जी नजर आ रही है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर पैरा 28 पढ़ेंगे, ईडी इज एक्टिंग विथ बायस, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है ईडी। ये अगर आप पैरा 28 अगर आप पढ़ेंगे, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस वेरी सिनारियो कंस्ट्रेन द कोर्ट टू ड्रॉ एन इंफेरेंस अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इट इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। मतलब कोर्ट को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ईडी बिना बायस, बिना पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। इसका मतलब है कि कोर्ट को डाउट है कि ईडी किसी न किसी पक्षपातपूर्ण भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखा है जो आप सबको पढ़ना चाहिए और देश के सामने, जनता के सामने है ये ऑर्डर, कि ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है। ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन ईडी सबूत खोजने की कोशिश कर रही है ताकि अक्यूज्ड को या जिनको ये जेल में रखना चाहते हैं वो जेल में रख सके। तो इनका पर्पस मनी ट्रेल खोजना या केस को मजबूत बनाना या केस को कंक्लोजर की तरफ लेके जाना नहीं है। इनका पर्पस है जेल में रखना, और जेल में रखने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उसको खोजते रहना, खोजते रहना, खोजते रहना। अगर आप 32 पैरा 32 अगर आप पढ़ेंगे, इस पे लिखा हुआ है इट हैज ऑल्सो फेल टू एस्टेब्लिश दैट इवन It seems that the ED also believed that the evidence on record is not sufficient to proceed against the applicant and it is taking time to procure the same in any manner whosoever to convince the court. Court को convince करने के लिए किसी भी प्रकार से आप खोजने की कोशिश कर रहे हो evidence. ये स्पष्ट है कि चारों तरफ से अगर आप देखेंगे कि ED का पूरा जो व्यवहार है, उनकी कार्य प्रणाली है, वो बहुत ही पक्षपात पूर्ण है। और इस पे कोई नई बात नहीं है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ये रच रही है इस पूरी लीला को, इस पूरी कहानी को। और इस ऑर्डर में एक बहुत ही शॉकिंग रिवेलेशन ये आया है जिस पे ईडी ये सबमिट करती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन एक कला है और इस कई बारी कलाकारी को करने के लिए ये सारे ट्रिक्स और टर्न्स अपनाए जाते हैं। तो उसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि भाई ऐसी कलाकारी मत करो कि किसी को फंसाने के लिए आप कुछ भी कुछ बनाओ। तो ऐसी बेसिकली ये कहती है कि ईडी एक कलाकारी, एक पिक्चर बना रही है। ये पिक्चर का जो, इस पिक्चर का डायरेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हो रही है और उसमें इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा जाए, कैसे भी करके उनको जेल में रखा जाए और दूसरी तरफ पार्टी को हमला किया जाए। जब ये चुनाव जीत नहीं सकते तब ये इस तरीके की कलाकारी करते हैं। राजकुमार आनंद के, हमारे दिल्ली में वो मंत्री थे, इन पर 23 घंटे की, इन पर ईडी की रेड हुई। जब ये रेड हुई 23 घंटे, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से आके चिल्ला रही थी कि अरे इनके ऊपर रेड हुई, इन्होंने हवाला का ट्रांजेक्शन किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ऐसा किया। आज चुनाव के दौरान उनको बीएसपी में ज्वाइन कराया, बीएसपी में चुनाव लड़ाया और बीएसपी में चुनाव वोट काटने के लिए, और वोट काटने के उद्देश्य से बीएसपी में ज्वाइन करा के आज वापस इनको भाजपा में ले आए। अब दूसरी तरफ करतार सिंह का आप ले सकते हैं, करतार सिंह के ऊपर 2016 में आईटी की रेड पड़ी थी और लगभग बताते हैं कि 130 करोड़ अनअकाउंटेड मनी भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही थी कि उनको मिली। भारतीय जनता पार्टी आके चढ़ गई थी कि भाई इनके ऊपर इतना ये रेड हुआ है, इनके ऊपर लैंड स्कैम हुआ है, ये फार्म स्कैम हुआ है, फलाना ढिमका सारा कुछ हुआ, आज उनको अपनी पार्टी में ले लिया। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो करनी है कि रेड डालो, डराओ, धमकाओ और फिर अपनी पार्टी में ले लो, ये वॉशिंग मशीन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी जो चुनाव हुए उसमें इनको स्पष्ट जनता ने संकेत दे दिया है कि अब अपने वॉशिंग मशीन से पावर ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, ये वॉशिंग मशीन का धंधा बंद करो, ये देश एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये 400 अपने 400 की उम्मीद से 240 आ गए, इनको ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश को बर्बाद मत करो, ईडी जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बर्बाद मत करो, ईमानदारी से काम करो, अपने धर्म का पालन करो और अच्छी राजनीति करो।